या सैनिकों की पिटाई वाले राहुल गांधी के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर ने राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए विवादित टिप्पणी की है। राहुल गांधी के चीन पर दिए बयान पर मनोज मुंतशिर ने चाणक्य का हवाला देते हुए निशाना साधा। अभी चाइना को भगाया और हमें उस वक्त दुख होता है जब एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता इस देश का यह कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है, कैसे करता है कोई? पिट गए, हमारे सैनिक पिट गए। लेकिन मैं क्या दोष दूं, मैंने चाणक्य को पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। चाणक्य का स्टेटमेंट है, मैं कोट कर रहा हूं सीधे। आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। साथियों, प्रॉब्लम डीएनए का है, कुछ नहीं कर सकते आप और मैं उसका। एक तरफ मेरा और आपका डीएनए है, मेरा और आपका डीएनए हमें क्या सिखाता है? हम तो भारत माता कहते हैं ना, तो जब हमने भारत माता कह दिया तो हमको मां से प्यार करना सीखना थोड़ी है। और अब बात रायपुर की करेंगे, जहां निजी यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच आपस में मारपीट हो गई। यहां पास आउट छात्र और जूनियर छात्रों के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें 15 से 20 छात्रों को गंभीर चोट आई, जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक दिवसीय प्रवास पर जबलपुर पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वेटरनरी महाविद्यालय में एनसीसी कैडेट्स से चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया का भी निरीक्षण किया और फिर सेना के मध्य भारत मुख्यालय का भी दौरा किया। इसी मौके पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला किया। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष इन दिनों बचकानी और नादानी वाली बातें करता है। विपक्ष ने मन बना लिया है कि केंद्र सरकार के हर काम का विरोध करना है, जबकि वर्तमान में देश दुनिया भर में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी तो विपक्ष बोल रहा था कि वहां पर खून की नदियां बहेंगी, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में खून की नदियां नहीं बल्कि विकास की नदियां बह रही हैं। इसी मौके पर रक्षा राज्य मंत्री ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि विपक्ष का एक ही नारा बन गया है कि देश से मोदी हटाओ और परिवारवाद फुलाओ। इस देश में जो विपक्ष है बहुत नादान है और हमेशा आप देखिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब पाकिस्तान की भाषा और विपक्ष की भाषा एक थी, एयर स्ट्राइक हुआ वही भाषा थी। कश्मीर में कहा कि खून की नदियां बहेंगे, जब 370 हटाया था आरटीकेल, वैसे हम धारा बोलते हैं उसको, तो हटाया। आज वहां खून की नदियां नहीं, विकास की नदियां हैं। मैं वहीं से कश्मीर से मैं 2-3 बार चले गया हूं जम्मू कश्मीर, देख के आ रहे हैं हम, तो उसमें भी वही भाषा थी जो और लोग बोलते हैं। इसलिए बहुत बचकानी बातें करते हैं और आजकल जो बातें कर रहे हैं नादानी की बातें हैं। रीवा जिले में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहाँ